नमस्कार, मैं आपका दोस्त आयुर्वेदिक कंसल्टेंट डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वचा के विषय में। आयुर्वेद के अनुसार वचा एक बहुत ही अच्छी औषधि है, बहुत ही उत्तम जड़ी बूटी है। मानसिक विकारों में इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हों, सिर में दर्द रहता हो, जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो, जो लोग मोटापे से परेशान हों, और जो बच्चे हकलाकर बोलते हों, जिन बच्चों की वाणी शुद्ध नहीं हो, उन लोगों के लिए इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वचा के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या फायदे हैं, वचा का प्रयोग किस रोग में किस प्रकार करना चाहिए और वचा का प्रयोग किन लोगों को नहीं करना चाहिए। वचा के विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वचा दिखा देता हूँ। वचा बाजार में इस प्रकार की होती है, यह आप अच्छी प्रकार से देख लीजिए। यह नकली वचा भी बाजार में बहुत अधिक मिलती है। इस प्रकार की यह ग्रंथियां भी होती हैं। बाजार में नकली वचा भी बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। असली वचा का भाव, दुधी वचा का भाव बाजार में 3,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति किलो तक रहता है, और इसकी नकली लकड़ी 200 रुपये 300 रुपये किलो में भी आसानी से मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि जो असली दुधी वचा होती है उसमें से गंध आती है, उसमें से उग्र गंध आती है, और नकली लकड़ी में से कोई गंध नहीं आती है। तो दुधी वचा यदि आपको खरीदनी हो तो इसे किसी अच्छे पंसारी से ही, किसी विश्वासपात्र पंसारी से ही खरीदना चाहिए। बाजार में इसका चूर्ण भी मिलता है, परंतु मैं आप लोगों को यही राय दूंगा कि असली दुधी वचा खरीद के घर में स्वयं ही इसका चूर्ण पीस लें, वह आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा। अब मैं आपको इसके क्या क्या नाम है यह बता देता हूँ। इसे उग्रगंधा कहा जाता है, षडग्रंथा कहा जाता है। उग्रगंधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें से गंध आती है। षडग्रंथा इसलिए कहा जाता है कि इसमें ग्रंथियाँ पड़ी होती हैं, इसमें गांठें पड़ी होती हैं। इसे गोलोमी भी कहते हैं। इसका नाम शतपर्विका भी है, इसे घोड़बच के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे स्वीट फ्लक कहा जाता है, और इसका लैटिन नेम एकोरस कैलेमस है। अब मैं आपको इसके गुण बता देता हूँ। तो वचा लघु गुण से और तीक्ष्ण गुण से युक्त होती है। लघु गुण की होने के कारण यह शरीर में बहुत ही शीघ्र एब्जॉर्ब हो जाती है। वचा कटु रस से और तिक्त रस से युक्त है, यानी स्वाद में यह चरपरी होती है और कड़वी होती है। वचा की तासीर गर्म बताई गई है। वचा उष्ण वीर है, यानी इसकी तासीर गर्म होती है, और गर्म तासीर की होने के कारण ही यह कफ दोष का और वात दोष का शमन करती है। यानी कफ दोष जन्य विकारों में और वायु दोष जन्य विकारों में वचा का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। इसका विशेष प्रभाव मेद्य बताया गया है, यानी जिन लोगों की याददाश्त कमजोर हो, जिन लोगों की एकाग्रता शक्ति कम हो, कॉन्सेंट्रेशन पावर कम हो, किसी एक काम को कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं कर पाते हों, उन लोगों के लिए ये बहुत ही उत्तम जड़ी बूटी है, बहुत ही अच्छी औषधि है। अब मैं आपको वचा का प्रयोग बता देता हूँ। वचा का प्रयोग किस रोग में किस प्रकार करना चाहिए यह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों के सिर में दर्द रहता हो, जिन लोगों को माइग्रेन का दर्द हो, या हल्का मीठा दर्द बना रहता हो, या सूर्यावर्त का दर्द हो, जो सूरज के साथ चलता है, इन सभी लोगों को वचा का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। तो इन सभी लोगों के लिए आधे ग्राम वचा का चूर्ण लेना है, यानी 500 मिलीग्राम वचा का चूर्ण लेना है, और सुबह शाम शहद और घी के साथ प्रयोग करना है। शहद और घी का प्रयोग करते समय यह सावधानी रखनी चाहिए कि शहद और घी कभी बराबर मात्रा में नहीं होने चाहिए। बराबर मात्रा में शहद और घी आयुर्वेद में विरुद्ध आहार बताया गया है। तो इसीलिए या तो शहद ज़्यादा लीजिए या घी ज़्यादा लीजिए, इनमें से कोई एक चीज़ ज़्यादा लेनी है, दोनों बराबर मात्रा में नहीं लेने हैं। इस प्रकार वचा के चूर्ण का प्रयोग सुबह शाम करना है। और इसके अलावा आपको वचा की गांठें ले लेनी हैं। यह गांठें हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई, इस प्रकार की गांठें लेनी हैं, और यह पत्थर में पानी डालकर थोड़ी थोड़ी घिस लेनी है। इसका लेप जो निकलेगा, इसका लेप आपको माथे पर, मस्तक पर लगा लेना है। इस प्रकार नियमित रूप से यह दोनों कार्य करने से आपको सिर के दर्द में, सूर्यावर्त के दर्द में, माइग्रेन के दर्द में धीरे धीरे आराम मिलेगा। अब मैं बच्चों के लिए वचा का प्रयोग बता देता हूँ। तो जिन बच्चों को ज़्यादा खांसी आती हो, जिन बच्चों को ज़्यादा कफ अटकता हो, तो उन बच्चों को वचा की गांठें माँ के दूध में घिसकर चटाने से या पानी में घिसकर चटाने से धीरे धीरे खांसी में आराम मिलने लगता है और बलगम भी निकलने लगता है।
बच्चों में वचा का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसकी मात्रा 125 मिलीग्राम से अधिक नहीं हो। इसके अलावा जो बच्चे साफ नहीं बोलते हों, जो बच्चे हकला हकला कर बोलते हों, रुक रुक कर बोलते हों, जिनकी वाणी शुद्ध नहीं हो, उन बच्चों के लिए वचा का बहुत ही विशेष प्रयोग है। उन बच्चों को वचा की गांठ का लगभग 1 ग्राम का टुकड़ा देना है। लगभग इतना बड़ा टुकड़ा उन्हें दे देना है और उन्हें चूसने के लिए दे देना है। इस प्रकार वचा की गांठें चूसने के लिए सुबह शाम दोनों समय देनी है और इसका प्रयोग 3 माह तक कराना है। इसका 3 माह तक प्रयोग कराने से बच्चों की वाणी धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है और बच्चों का हकलापन धीरे धीरे कम होने लगता है। अब मैं उन लोगों के लिए वचा का प्रयोग बता देता हूँ जो लोग मोटापे से परेशान हों। उन लोगों को 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक, आधा ग्राम से 1 ग्राम तक वचा का चूर्ण लेना है और सुबह शाम गुनगुने पानी से नियमित प्रयोग करना है। इसका नियमित प्रयोग करने से धीरे धीरे मोटापा कम होने लगता है। जो अधिक चर्बी शरीर में होती है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। वचा में लेखन का गुण होता है जिसके कारण यह मोटापे में बहुत अच्छा कार्य करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो लोग मानसिक विकारों से परेशान हों, जो लोग चिंता में ग्रस्त रहते हों, जो लोग शोक से ग्रस्त रहते हों, या जिन लोगों को मिर्गी के दौरे की शिकायत हो, उन लोगों को वचा का चूर्ण 1 ग्राम से 2 ग्राम लेना है और उसका प्रयोग सुबह शाम शहद से करना है। मानसिक विकारों में, मिर्गी के दौरों में वचा का प्रयोग बहुत ही अधिक लाभकारी है, बहुत ही अधिक उपयोगी है। अब मैं उन लोगों के लिए वचा का प्रयोग बता देता हूँ जिन लोगों की याददाश्त कमजोर हो, जिन लोगों की कॉन्सेंट्रेशन पावर कम हो, जिन लोगों की धारणा शक्ति कम हो, एकाग्रता शक्ति कम हो, उन लोगों को वचा का प्रयोग कैसे करना चाहिए। उन लोगों को वचा 50 ग्राम ले लेनी है, ब्राह्मी 50 ग्राम ले लेनी है और शंख पुष्पी 50 ग्राम ले लेनी है। इन तीनों चीज़ों को मिश्रित करके इनका अच्छी प्रकार से पीसकर चूर्ण बना लेना है। इस प्रकार तैयार किए गए चूर्ण को 1 ग्राम से 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम शहद और घी के साथ प्रयोग करना है। यह ध्यान रखें, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शहद और घी का प्रयोग कभी भी समान मात्रा में नहीं किया जाता है। तो असमान मात्रा में शहद और घी के साथ 1 ग्राम से 2 ग्राम चूर्ण प्रयोग करना है। इस प्रकार लगातार प्रयोग करने से आपकी धारणा शक्ति, एकाग्रता शक्ति बढ़ने लगेगी, आपकी याददाश्त भी अच्छी हो जाएगी। अब मैं हृदय के रोगियों के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए वचा का प्रयोग बता देता हूँ। तो जो लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज से पीड़ित हों, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, जिन लोगों के हृदय में ब्लॉकेज की समस्या हो, उन लोगों को वचा का प्रयोग कैसे करना चाहिए। उन लोगों को वचा के चूर्ण का प्रयोग 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ करना चाहिए। इस प्रकार लगातार वचा का प्रयोग करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा और विशेष रूप से LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होने लगेगा, जिसके कारण से आपके हृदय में बनने वाली ब्लॉकेज की संभावना कम हो जाएगी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी आपको आराम मिलेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे नियमित होने लगेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किन लोगों को वचा का प्रयोग नहीं करना चाहिए अथवा डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। तो जिन लोगों की पित्त प्रकृति हो, जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ हो, जो लोग स्वभाव में गर्म स्वभाव के हों, जिन लोगों को गर्मी सहन नहीं होती हो, उन लोगों को वचा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह स्वभाव से पित्तवर्धक है, क्योंकि यह गर्म तासीर की है। इसलिए पित्त प्रकृति के लोगों को, जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ हो, उन लोगों को वचा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को, ऐसी महिलाएं जो अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाती हैं, उन महिलाओं को भी वचा का प्रयोग नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि वचा का प्रयोग हमेशा ही अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह पर ही करें। तो दोस्तों, वचा के विषय में आपने यह जानकारी प्राप्त की। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप आयुर्वेद संबंधित किस विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं यह हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।